भाई एक बात देखो, ये चोटाड़ा गांव से आए हुए हैं और मुश्किल थे बेचारे। क्या कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए चोटाड़ा गांव से पैदल चल रहे हैं ये लोग। और सबसे गजब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और सबसे ज्यादा दुख की बात ये किस लिए आए हैं यहाँ पे? चोटाड़ा गांव का मतलब समझते होगे, चोटाड़ा गांव जिसमें आज तक 15 एमएलए कितने बन रहे हैं भाई? 15-6 अधिक वहां पे एमएलए बने, 15। ताऊ देवीलाल का गांव है, हर डिमांड के है। ये चोटाड़ा गांव के लोग यहाँ करनाल आए हैं मुख्यमंत्री साहब दो रहे हैं, और डिमांड के है, डिमांड है। अब चोटाड़ा का जो सामुदायिक केंद्र है, 400 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं वहां, और उड़ा ये नुके है। अब डॉक्टर चाहिए। देखो गजब शर्म की बात, ही सरकार और वो चोटाड़ा गांव से जितने भी एमएलए बने हैं, आज चोटाड़ा गांव से कौन कौन है देखो, दुष्यंत चोटाड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रणजीत चोटाड़ा, बिजली मंत्री अभय चोटाड़ा, विधायक नैना चोटाड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मां, और एक है अमित शाह। ये 5 आदमी तो आज बैठे हैं आज विधानसभा में, और ये देखो 5 इतने बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, उसके बावजूद ये उस गांव के लोगों को जाड्डे में नए साल पे बेचारे रोड़ा पे धक्के खाते आ रहे हैं। ये राकेश भाई और पूनम जी, आप सोच के देखो, इन नए लोगों ने लेकर आए हैं चोटाड़ा गांव से, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सर। एक सुनो, 1-8 साल की छोरी की थवा, और मेरी बात सुनो, एक ऐसा आदमी आप जिसकी लड़की बनी थी बोला, ये बोरे ना उरे ना एक बार उरे ना यो आदमी इस यात्रा में चल रहा है, अपना नाम बताओ एक बार। और ओम नाम है, अरे कौन मर रहा है आपका लड़की जी? मेरी दोस्त है, इसके लड़की मर रही है, जो दाग पे भी ना। आप सोच के देखो, मुख्यमंत्री साहब कुछ शर्मावे है, और चोटाड़ा गांव के जितने भी नेता बन रहे हैं, ये चोटाड़ा गांव के जितने भी नेता हैं, अरे शर्मावे थोड़ी बहुत है, किसी ने शर्म नहीं आती गे गति सारे के सारे। ये छोरी है वोट देखो, इस छोरी ने देखा भाई, देख क्या नाम बेटा, क्या नाम है अवनिया छोरी है, कोड छोरी है यार, 400 बालक मर रहे हैं डॉक्टर की कमी की वजह से चोटाड़ा गांव में। अरे मुख्यमंत्री थोड़ा बहुत शर्मा ले, बिजली मंत्री थोड़ा बहुत शर्मा ले। अरे 5-5 आदमी प्रेजेंट में बैठे रहे हैं चोटाड़ा गांव में, 15 आदमी। अरे ताऊ देवीलाल ने बनवाया था हॉस्पिटल, अरे इसमें डॉक्टर तो दे दो, अपने अपने घर भरोगे गे चोटाड़ा गांव में, और लोग कौन है गे? ये डिमांड है इनकी, ये डिमांड या जो ये नुके हैं आग भाई, जब डिलीवरी हो तो डॉक्टर चाहिए है, बाल रोग बड़का का डॉक्टर चाहिए, उड़ा बालक मन लाग रही है, एमबीबीएस के जो पद खाली पड़े हैं वे चाव है, के है ना, के मांग है इनकी? ये तो बेसिक चीज है, मूलभूत चीज है, या कोई डिमांड है इनकी? सारे गांव की डिमांड है। तो मेरे को ऐसा लगता है इस तरह शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती कि चोटाड़ा गांव के 5 आदमी आज विधानसभा में बैठे हैं, और कति बेशर्मी पे उतर रहे हैं जिस चोटाड़ा गांव ने इतने एमएलए एमपीओ बनाए। और तब सबसे मुख्य बात है, ताऊ देवीलाल जिसने ये हॉस्पिटल बनाया, अरे कम से कम उस गांव में तो दे दो,
अगर उससे गांव में नहीं है जिसमें पांच पांच विधायक प्रेजेंट में बैठे हो, मुख्यमंत्री बैठे हो, तो दो तो मिनिस्टर हो गए रहे हैं, तो इस तरह शर्म की क्या बात हो सके है। और खेल मंत्री और अपने विद साहब स्वास्थ्य मंत्री अरविंद साहब एक बात बताओ, ये जो एमएलए बन रहे हैं इनका दे दे कम से कम। अरे डूब क्या मर जा, आख बालक न्यू आवा आख भाई मारे बालक मन लाग रहे हैं, हमने डॉक्टर दे दो क्या का ब्रमण हंड है, एक डॉक्टर तो मांगे है, ये कोई प्लॉट प्लॉट तो नहीं मांगो, स्वास्थ्य केंद्र में जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाए बस। बताओ जिस 35 गांव आते हैं उसके अंडर जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे 400 बालक मर लिए, 140 थर्ड ग्रेड कर्मचारी रख रखी है वे सही। बताओ ये ठगी एक नहीं है जी। भाई साहब मेरा तो इससे अंदाजा आप ये लगा सको हो, आके जब पांच पांच विधायक उप मुख्यमंत्री मिनिस्टर होने के बावजूद जिस गांव के अंदर और ताऊ देवीलाल का गांव, गजब बात देखो, ताऊ देवीलाल का गांव और ताऊ देवीलाल के परिवार से इतने लोग, अरे ताऊ देवीलाल के नाम तक वोट खाओ हो तुम्हें, अरे ये डॉक्टर भी नहीं दे सकती, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात कोई नहीं हो सकती भाई साहब। और मुख्यमंत्री साहब का आड़ा आ रहे हैं, ये इतनी दूर आ रहे हैं, पैदल आए हैं, दुनिया नया साल मनाती अंड है, कोई कम में पार्टी करता अंड है, कोई कम में करता अंड है, इनमें 11 दिन हो गए हैं, छोटे छोटे चाचा 7 साल की छोरी पैदल चल रही है, आप भी आ रही हो माता जी है, क्या नाम आपका है, साथी है। बताओ साथी है, कितनी उम्र होगी आपकी, उम्र तो मेरी बहुत 80 साल, तो 80 साल की बुढ़िया, 8 साल की छोरी रहे, अरे देखो इतनी दूर में चाल का रही है, अरे इन बेशर्मा ने शर्म नहीं आती, बताओ मुख्यमंत्री साहब इनका मिलेंगे तुरंत इलाज करे, तुरंत काम करे, अगर थोड़ा बहुत है तो जीव दम है, अरे अपना शिक्षा अपना स्वास्थ्य मंत्री गब्बर बने आंड है, अरे गब्बर सिंह करना यो ये आ रहे, ये लोग 80 साल की बुढ़िया आ रही, 8 साल की छोरी आ रही बेचारी बालक है, अरे बाबू आ रहा जिसकी छोरी मर रही वो दाग में भी नहीं गया, अरे बच्चा मरा हुआ है वो कौन से का, आइए आपका बच्चा मर रहा है यहाँ पे है, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं, सरसा तक की कोई इलाज नहीं, रोहतक तक की कोई इलाज नहीं है जी, बताओ रोहतक में कह दिया जाओ हमारे पास कोई इलाज नहीं है, प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हुई है गर्भ में, गर्भ में ये है जो है खुद पीड़ित है जो लोग, अरे एक बात बताओ ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आदमी को ना जिनका खुद का दर्द है वे आए हैं ये लोग अड़े, दहिस्त और घटिया बात क्या होगी, जिनका बालक मर रहा है वे भी अड़ा रहे हैं, वे आ रहे हैं और तो कोई आ नहीं रहा है, और इसमें बीजेपी का है जी 11 दिन का ट्रैक्टर चलाने लग रहा है, बीजेपी के बताओ, मेरा नाम जी प्रेम सिंह गोदारा है और मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैं ताऊ चौधरी देवीलाल का ही भगत रहा, बाद में इनका लाभ देख के भाई चलो ये अच्छा करेंगे, इनके झांसे में आ लिया जी, और झांसे में आके और 8 साल से बीजेपी का, और अब रोना रो रहा हूँ, ये लोग मेरे लगते बांटते हैं कि तू लड़ा था ना बीजेपी में, तेरे तू घड़ा वो समाज सेवी है, तू लोगों के घर काम करवाता है, 2 बार में सरपंच का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 1 बार कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और नशे के खिलाफ 16 साल की उम्र से लड़ाई लड़ रहे हूँ जी, और इन लोगों को ये मतलब ये हालात कर रखी है जी, तो अब आप सोचियो, आप गब्बर वाली बात कह रहे थे जी, गब्बर नहीं है वो ठाकर है जी, हाथ कट गए उसके, दोनों हमारे रामलाल उसको दिए दोनों टेप है, ये हाल है उसका, नहीं 1 महीने से 1 दिसंबर से धरने पे बैठे जी, और 21 तारीख को चले थे, डीसी नहीं आया हमारा, एसएमओ नहीं आया हमारा, सीएमओ नहीं आया हमारा, सरसा क्रॉस करके आए थे, कहना हमारे पास कुछ नहीं है, आप वहां जाओ, हम ही आ गए, हमने क्या मेरा था भाई, इनका बे ही नहीं रखा, घर थोड़ा ही है इनका, हम तो घर सोच के आगे भी, घर में तो बंदा था आवे ही आवेगा, उनको दे देंगे, पर इनका तो घर ही नहीं है, क्या भाई अब ये देखो ये सारे पीड़ित आ रहे हैं, ये जो पीड़ित फैसला करेंगे हम तो इनके साथ, लेकिन ये हमारे लिए इससे बड़ी मतलब ठीक है, हमारे पास तो कोई सक रहे नहीं, आके बोल रहे हैं,
लेकिन मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री साहब, आपके दरवाजे पर रहे हैं वो समस्या लेकर है जिनका ताल्लुकात लोगों से है। कोई पॉलिटिकल आदमी है तो एक तो आपकी पार्टी का आदमी आ रहा है, कम से कम न्यू देख ले। आगे जो 8 साल की छोरी आ रही है या 80 साल की बूढ़ी आ रही है, कम से कम थोड़ी बहुत शर्म कर लो। हर गब्बर सिंह जी, अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब, आप बताओ ये भी ना आप दौरे भेजे हैं, अब मुख्यमंत्री दौरे भेजे हैं, आप उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब किस दौरे भेजे हैं, अरे आपके गांव के आदमी आ रहे हैं, अरे बालक चर से बालक मर गए जीते शेर सादर आ रहे थे आगे, किसी ने न्यू नहीं किसे की या नहीं हुई। अगर अपने घर चले जाओ गड्ढे में थारी समस्या का समाधान कर देंगे। घर को ना मांगते ये, अगर हमने घर दे दो प्लॉट दे दो तो ना मांगते। यहाँ भी डीवाईएसपी क्लियर कट कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा कोई भी जो करना। अरे भाई ये जो कह रहे ना अफसर जो बन रहे हैं गड़े बड्डे दोनों का नहीं मिलेंगे ये नहीं करेंगे वो करेंगे। अरे न्यू देख लो ये गरीब आदमी है, इनके बालक मरण लाग रहे हैं, थोड़ा आदर रहम कर लो। सारी स्थिति इसी होती तो हम इतने गरीब होते, अगर वे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते तो चक्कर बात बढ़ती, सब चक्कर जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे इलाज, सब दौरे थे पैसे को ना। तो साथियों मुख्यमंत्री साहब सर बाकी जो भी आप लोग राकेश भाई जो भी आप लोग करोगे जिस तरह का भी होगा, अरे पुलिस वाला भाई तो मैंने वो एक बात सुन लियो मेरे भाई, या गरीबी सब गा जाएगा कैमरा किस किस का हुआ है, दुखी ना करियो इनमें, दुखी मत करियो इस बात में। इनका काम ये होना चाहिए कि भाई समस्या का समाधान करवाओ है, ये होना चाहिए, इससे और कोई गैरत की बात नहीं हो सकती। अक्षर से बालक ताऊ देवीलाल के गांव के बिना डॉक्टर के मर गए, और ताऊ देवीलाल के परिवार और गांव से इतने 5 आदमी थे इतनी विधानसभा बैठे हैं, उसके आगे कुछ नहीं हो सकती। अरे भाई साहब जैसे आपको भी आदमी को मुख्यमंत्री बता दिए किस दिन मुख्यमंत्री ने बाहर पहुंचना है, आने ना मिल रहा है चंडीगढ़ चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो अपना स्वास्थ्य मंत्री है उदय सरवा, जो आप लोगों का डिसाइड होगा वो हम आपके साथ हो। धन्यवाद।